कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चाली रही है सीधा जोड़ाईशु मुनियप्पा जी और पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स यहां मौजूद है। सबसे पहले तो आज खड़गे जी की उपस्थिति में गुजरात के वरिष्ठ नेता लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और जो गुजरात के विकास में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक विजनरी लीडर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और जिस दल का माहौल दो लोगों ने बीजेपी में कैप्चर करके बना रखा उसके खिलाफ आपने कुछ दिनों पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से परिवार ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय जयनारायण व्यास जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सर वो विमल भाई एक बार इधर आ जाए फिर ऊपर आ जाए। एक मिनट सर, ये भाई साफ लाए साफ साल लाए साफ लाए साल हो रहा उनके लड़का है एपीएमसी के चेयरमैन कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात ताजा राजनीति हालात में और गुजरात के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रेस और मीडिया के सामने रखें। आदरणीय खड़गे साहब, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज मेरे साथ इस मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और मेरे मीडिया के भाइयों और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, ये मुझे खुशी हो रही कि मैं यहां पर एक बार वोट मांगने के लिए और हमारे डेलीगेट्स को मिलने के लिए आया था तो आप सबकी मुलाकात हो गई थी। आज फिर एक ही महीने में इन चुनाव के दौरान मैं फिर आपका दर्शन ले रहा हूं और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में प्रचार करना और इसके लिए तो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता लीडर्स हर जगह बैठे हैं, उसमें ज्यादा मैं वक्त गुमाना नहीं चाहता।
लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से इतना गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहां कही जा रही है। लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहां नहीं लड़ रहे, ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं, उनको चाहे किसी में भी हो, स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा लेकिन सबसे ज्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है, तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं और हर जगह वो काम करते हैं अपने अनुसार, वो पद भी पाते हैं और हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए आज भी हैं, तो ये सारी चीजें गुजरात में आपको मिले। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, इस पूज्य महात्मा गांधी जी के राज्य में, यूं तो वो दुनिया के बादशाह है महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं सिर्फ गुजरात के लिए, और वैसा ही वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन चंद लोग बार बार उन्हीं का नाम लेकर कांग्रेस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है, इसीलिए तो बीजेपी के नेता वार्ड वार्ड फिर रहे, राष्ट्रीय नेता, मैं किसी अगर गुजरात का इलेक्शन में सहज है, यहां के प्रदेश प्रेसिडेंट, यहां के सीए, चीफ मिनिस्टर और भी नेता घूमते हैं तो मुझे मालूम है, और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर्स ये सब आकर यहां भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे, क्या जरूरत पड़ी, कुछ ना कुछ होगा ना, जब आदमी में डर पैदा होता है तो नेचुरली इसको कैसा संभालना, इसके लिए हर जगह आज घूम रहे हैं और वो वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों मेरा काम देखकर मेरे नाम से वोट दो, अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो, मोदी ने गुजरात बनाया, क्या इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं,
मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब भाई ठीक है अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है, जुमला जुमले तो बहुत है, लेकिन ये एक उनका हर जगह हर भाषण में ये कहते हैं। और मेरा ये कहना है 70 साल में देश को अगर किसी ने बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है, उसका फल आप भोगते थे। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10-10 साल 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल्स छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाए, उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते। उसका फल तो आप खा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन पार्टी को बार बार वही कहते। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद मोदी जी शाह जी सभी परेशान हैं, उसीलिए उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान की फौज बीजेपी की सिर्फ गुजरात में लगा दी, और हमारे लोग गांव-गांव में बूथ पे सिटी में लड़ रहे हैं। उनको खैर आज रिसोर्सेस भी बहुत मिले हैं और उसका खूब फायदा उठा के उन्होंने उसका लाभ भी ले रही। अब इन्होंने तो 13.5 और 8 कितने साल हो गए, इन्होंने बदले, लेकिन यहां 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदले। यानी 3 चीफ मिनिस्टर जब बदलते हो तो इसका मतलब है आप यहां कुछ काम नहीं किए, नहीं तो बदलने का सवाल नहीं था। और कोविड का समर्पक काम नहीं हुआ, इससे यही दर्शाता है। तो ये जो इनके मॉडल्स है, और टीचर की भर्ती नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के, क्योंकि गरीबों को फायदा किससे होता है, सरकारी स्कूलों से, सरकारी कॉलेजों से। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं बनाकर उन्होंने हर जगह स्कूल खोले। तो कांग्रेस द्वारा जारी पत्रकार परिषद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में भाजप हार भाड़ी गई है एटले भड़काऊ भाषण से आपी रही है। खड़गे कही रहा है, તેમણે કહ્યું કે ગાંધી અને સરદારના નામે કેટલાક લોકો કોંગ્રેસ પર સીધા જ પ્રહારો કરતા હોય છે। ઇન્સ્ટિટ્યુશન આઈઆઈટી યે સબ બના કે દેશ કો બનાયે હો, ફિર ઉન પે ટીકા કરતે હો, તો મેં વો છોડ દેતા હું। વો ટીકા કરને કા ઉનકા આદત હૈ, ચંદ લોક આદત સે મજબૂર હોતે હૈ, તો ઉસમે સે એક હમારે પ્રધાનમંત્રી જી હૈ, वो हमेशा बोलते रहते, बोलने दो, हमको तो अपना काम करना है, करते रहे। तो ये जो आज लोग यहां तंग आ चुके हैं, तीसरी बात इन्फ्लेशन, क्या गुजरात में दिल्ली को कंपेयर करे, बॉम्बे को कंपेयर करे, कानपुर करे, राजस्थान करे, या अपना इंदौर करे, बेंगलोर करे, चेन्नई करे,
या कितने भी जो स्टेट में शेयर्स हैं या लोग वहां कंज्यूमर्स आइटम हैं, इन्फ्लेशन में क्या उन्होंने यहां पर कम कर दिया? अरे अगर कोई सामान किसी और जगह दिल्ली में, इंदौर में, अगर जयपुर में कम में मिलती है किसी को, वहां पर 100 रुपए का सामान लेकर कोई खरीदता है तो यहां उसको 120 रुपए देना पड़ता है। इतनी महंगी हो गई है। वो खुद के स्टेट में आप तो क्रेडिट तो ले रहे, मैं बनाया वो कर रहे, लेकिन गरीबों को आप तंग और तबाह कर रहे हो। और यहां पर इतना ही नहीं, पूरे देश में जीएसटी लगा दिए। किन किन चीजों पे लगाए? आप दूध पे लगा दिए, आप पेंसिल पे लगा दिए, बच्चों के रबर इसमें लगा दिए, औषध तो दिन पे दिन उसके दाम बढ़ रहे हैं और उसको भी आपने किया, तो जीएसटी भी आपने खूब लगाया। और ये लोगों को बता रहे, मैं बहुत कुछ काम किया, मेरे वजह से सब संपन्न।